हेलो टू एवरी वन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यू आई एस यूट्यूब चैनल एंड टूडे वी आर गोइंग टू कवर द थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ डिसम्बर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ पंजाब सो लेट्स बिगन विद दिसशन द फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू ओ सी आई ओ सी आई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये जो कार्ड होल्डर्स हैं जितने भी ओ सी आई कार्ड होल्डर्स हैं नाओ दे नीड टू हैव अ अप्रूवल प्रायर अप्रूवल आर बी आई की चाहिए होगी परचेजिंग द फार्म प्रॉपर्टी ठीक है सो दो होल्डिंग दी आईज ओवरसी ऑफ इंडिया का कार्ड जो होल्ड कर रहे हैं दे नीड आर बी आईजिशन टू बाय एग्रीकल्चर लैंड और फार्म हाउसेज और द्लांटेशन प्रॉपर्टी ठीक है सो इस कैटेगरी के अंदर पहले ऐसा नहीं था आर बी आई अप्रूवल नहीं चाहिए थी बट नाउ एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो एनआरआई और ओसीआई की बात करें दे आर गवर्न बाई द प्रोविजन ऑफ फेमा फेमा इज फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट सो इस एक्ट के अंदर जो है दे डू नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द आर बी आई ठीक है सो फॉर द एक्विशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया एट so प्रेजेंट तो यही था लेकिन अब जो है अब ये चेंज हो चुका है एंड एंड ट्रांसफर जो होगा जो भी लैंड का रूल्स ऑफ ऑक्टूबर हैव टू द टर्म्स विच आर बी आई ने अभी थोड़ा बहुत क्लैरिफाई किया है रिगार्डिंग दिस राइट सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं

ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 सिंपल सी बात है सो ओ सी वो लोग हैं वो आ, लोग हैं जो आ, किसी के बच्चे हैं या ग्रैंड चाइल्ड हैं उन लोगों के जो एलिजिबल थे छब्बीस जनवरी दो में या फिर उसके बाद सिटीजन बनने के लिए इंडिया के या फिर देवर एक्चुअली अ सिटीजन ऑफ इंडिया ठीक है ओके okay. नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर कि सेक्शन सेवन ए जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन ए ऑफ ओ सी आई कार्ड रूल्स जो है, ही नॉट एलिजिबल एप्लीकेट हैल्ड दी आई कार्ड इफ ही और पेरेंट्स और ग्रैंड बीन अन ऑफ अफगानिस्तान और सॉरी अफगानिस्तानी पाकिस्तान और बांग्लादेश अंडरस्टैंड और इसके अलावा बात करें द कैटेगरी वॉज इंट्रोड्यूस ये जो ओ सी आई वाली कैटेगरी थी ये ज्यादा टाइम नहीं है इसको अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया दिस कैटेगरी वॉज इंट्रोड्यूस बाई गवर्नमेंट इन टू थाउजेंड फाइव मतलब ये जो कैटेगरी है ये इंट्रोड्यूस हुई थी दो हजार पांच में ही हुई है इंट्रोड्यूस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिटीजन एक्ट दो हजार पंद्रह के थ्रू एक चेंज किया गया है रिसेंट चेंज वो क्या है दो हजार पंद्रह में दैट दे मी ओ आई पी is person of Indian ऑफ इंडियन ओरिजिन दे person of Indian ऑफ इंडियन ओरिजिन कैटेगरी को किसके साथ जोड़ दिया है ओ सी कैटेगरी के अंदर ही रख दिया है इसको दो हज़ार पंद्रह के अंदर सो so, ये थोड़ा सा चेंज आया है दो हज़ार पंद्रह के अंदर रिगार्डिंग दी पी ओ आई जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उसको मर्ज कर दिया गया ओ सी आई कैटेगरी के अंदर ही ठीक है so, सो यह आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक तलवंडी साबू करके जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है फार्मर्स के लिए बिकॉज ये जो बॉल वॉम अटैक है ये देखा जा रहा है इनकी फसलों के अंदर राइट सो रूलर बेल्ट जो है तलवंडी साबू की यहाँ पे दे आर अंडर द अटैक ऑफ पिंक बॉल पिंक बॉल ठीक है सो so, तलवंडी साब, साबू इज ऑब्वियसली इट इज फेमस फॉर वन ऑफ फाइव टक्स ऑफ सिखिज्म कौन सा तख्त है दैट इज तख्त श्री दम दम दमा साहेब दे ये वाला इशू देखा गया है दैट पिंक बॉलवर्म अटैक जो है इनकी कॉटन क्रॉप के अंदर देखा गया है और इससे काफी ज्यादा नुकसान इन फार्मर्स को देखा आ, फ, आ, फेस करना पड़ रहा है चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट सो दे आर वेरी अपसेट क्योंकि उनको सामने दिख नहीं रहा है कि कुछ इसका सोल्यूशन भी है इस अटैक का पिंक बॉलबॉम का इसका कोई सोल्यूशन भी है और देखा जाता है कि इंडिया के, के केस में ही ये चीज़ देखी जाती है कि इंडिया इज द ओनली बी कॉटन ग्रोइंग कंट्री ठीक है बी कॉटन ग्रोइंग कंट्री है अकेली जहाँ पे यह प्रॉब्लम जो है देखी जाती है कौन सी प्रॉब्लम पिंक बॉलबाम इन्फेस्टेशन या फिर अटैक राइट right? ये देखा जाता है तो बाकी पॉइंट ये है कि अनलाइक अदर बॉलबॉम इंसेक्ट स्पीशियस दैट ऑल्सो अटैक्स बाकी बॉलबॉम तो इंसेक्ट स्पीशीज़ जो है दूसरी क्रॉप्स को भी अटैक करते हैं जैसे कि पीजन पी हो गया सोरगम हो गया या सनफ्लावर हो गया बट ये जो पर्टिकुलर पिंक बॉलबाम है ये फीड करता है ओनली ऑन बी टी कॉटन या कॉटन के ऊपर ही फीड करता है वहीं पर नुकसान देता है उन्हीं फसलों को जो कॉटन होती है ठीक है तो जो किसान हैं जो फार्मर्स हैं जो तलवंडी साबू के इस रूरल बेल्ट के किसान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है दे आर वेरी मच अपसेट बिकॉज ऑफ दिस होल सर्कमस्टांसेस जो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं ठीक है सो so, हम लोग बात करते हैं कि वाई द केस इज़ यूनिक फॉर इंडिया इंडिया के केस इंडिया का यूनिक केस क्यों है बाकी कंट्रीज के अंदर भी इसी तरीके से पिंक बॉल अटैक होता है बीटी कॉटन फसलों के ऊपर नहीं सिर्फ इंडिया के अंदर ये देखा जाता है रीज़न क्या है इसका इसका रीज़न ये है कि ये जो पिंक बॉल होते हैं ये बेसिकली अभी रेजिस्टेंस हो गए ये आर रेजिस्टेंट अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडिया जो है काफ़ी टाइम से इंडिया ने जब से बी कॉटन का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में दो से दो से इंडिया ने बी कॉटन को उगाना शुरू कर दिया और लंबे टाइम तक इसको उगाया मतलब ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन हाइब्रिड्स हैं इसको दे कीप ऑन कल्टिवेटिंग और इसकी वजह से पिंक बॉलबॉम जो है अब दे ग्रू रेजिस्टेंट ठीक है ये रेजिस्टेंट हो चुके हैं अगर हम लोग बाकी कंट्रीज की बात करें जहाँ पे बीटी कॉटन को उगाया जाता है तो वहाँ पे ये वैरायटी नहीं बल्कि जैसे चाइना यूएस हो गया दे मेनली ग्रो ओपन पॉलिनेटेड कॉटन वराइटीज दे मेनली ग्रो ओपन पॉलीनेटेड कॉटन वराइटीज राधर देन हाइब्रिड्स हाइब्रिड्स कौन उगाता है इंडिया उगाता है बेसिकली इसीलिए बी टी जो पिंक बॉलवाम है ये रेजिस्टेंट हो गया है सो so, ये जो कंट्रीज है बाकी वो ओपन पॉलिनेटेड कॉटन वराइटीज को उगाती है इसीलिए दे आर राइट नाउ सेफ ठीक है सो दिस इज सेट टू बी द रीजन फॉर द पिंक बॉलवॉम ग्रोइंग रेजिस्टेंस टू टॉक्सिन इन इंडिया राइट तो चलिए यह हमने पढ़ लिया अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है या पहले भी ये प्रॉब्लम्स हुई हैं अलग अलग जगहों में जहाँ पर भी बीटी कॉटन जो है ग्रो किया जाता है अलग अलग देश के अंदर तो वहाँ पर भी ये आ, पिंक बॉलवॉम का अटैक हुआ तो सरकार ने कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला यूनियन गवर्नमेंट ने ये रिकमेंड किया अ यूनिक आर रिफ्यूजिया इन बैग कॉन्सेप्ट जहाँ पे 25 ग्राम ऑफ नॉन बीटी कॉटन सीड्स जो होंगी वो मिक्स कर दी जाएंगी विथ दी फोर फिफ्टी ग्राम्स ऑफ बी टी कॉटन सीड्स राइट सो उसको थोड़ा सा क्या हो जाएगा उससे वो जो पिंक बॉल वॉम है उनको पॉसिबिलिटी उनकी कम हो जाएगी कि वो वहाँ पर ग्रो करें रेजिस्टेंट हो जाए क्योंकि यहाँ पर नॉन बी टी कॉटन सीड्स भी इन्वॉल्व होंगी ठीक है चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एस जी पी सी एस जी पी सी के मेम्बर्स की मीटिंग हुई Uh, और uh, उसको उसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि दे आर गोइंग टू कंडक्ट अ रोज़ दिवस कौन सा दिवस रोज़ दिवस वो कंडक्ट करेंगे इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंसिडेंट ऑफ सेक्रलेज ऑन जनवरी टू इन गोल्डन टेम्पल तो गोल्डन टेम्पल में uh, जो सेक्रलेज uh, हुआ उसको uh, उसके प्रोटेस्ट में बिकॉज इसकी वजह से इनका मानना ये है मीटिंग हुई एस जी पी सी वालों की उन्होंने उनके मेम्बर्स का ये मानना है कि आ, जो श्री गुरु गुरु ग्रंथ ग्रंथ साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब है इट इज़ सुप्रीम फॉर द सिक्स एंड अगर इंसिडेंट ऑफ सक्रेज इस तरीके से हुआ है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो कम्युनिटी है सिख कम्युनिटी है उन वो काफ़ी ज़्यादा शॉक है उनकी साइकोलॉजी जो है दे आर नॉट गुड फीलिंग गुड बिकॉज ऑफ दिस होल इंसिडेंट दैट टुक प्लेस राइट सो गवर्नमेंट ऑल्सो इन्होंने ये भी बोला कि गवर्नमेंट इज नॉट प्लेइंग देयर रोल देयर इफेक्टिव रोल टू आइडेंटिफाई और टू पनिश दैट पर्सन जिसने ये किया सेक्रीलाइज सिर्फ गोल्डन टेम्पल में नहीं हुआ बाकी जगहों पर भी हुआ था ठीक है तो गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग एफर्ट्स टू रीच एक्चुअल हु हुटेड द होली बुक ऑफ सेक्स सो ये इनका मानना है और इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग रोज दिवस जो है वो दो जनवरी को Uh, वो करेंगे मतलब इसके लिए ऑर्गेनाइज uh, करेंगे ठीक है चलिए लेट्स टॉक अबाउट सो सेक्रेलेज का मतलब क्या होता है ये होता है बेअदबी करना बेअदबी मतलब बीइंग टुवर्ड्स द गुरु ग्रंथ साहिब जी ठीक है तो ऐसा माना जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है सेक्रेलेज का सिखिज्म में ये इस बेसिस पे uh, सामने आया कि जो सिख होते हैं वो सिख कम्युनिटी कंसिडर करती है गुरु ग्रंथ साहिब को टू बी अ लिविंग गुरु ठीक है वो जो होली बुक है दैट इज अ लिविंग गुरु फॉर सिख कम्युनिटी और उसकी कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा ठीक है उसकी कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा बिकॉज दैट इज हाइली सीक्रेट तो उसकी कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा दैट मीन्स वो फिर ठीक नहीं है इनफैक्ट ये सिर्फ होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे उससे जुड़ी हुई और भी कई सारी चीज़ें जैसे फॉर एग्जाम्पल दस्तार पगड़ी हेड गेयर जो होता है जो सिख लोग पहनते हैं उसके अलावा जो है किरपान जो है ठीक है जो स्वॉर्ड होती है वो भी उसकी भी कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको भी ठीक नहीं माना जाता उसके अंदर भी वो भी एज का ही पार्ट है वो भी बेअबी का ही बात पार्ट है इसके अलावा जो हेयर और बियर्ड जो मेंटेन की जाती है सिख कम्युनिटी के द्वारा ठीक है दैट इज आल्सो सेक्रेट कोई उसका भी डिसरिस्पेक्ट उसकी भी मजाक नहीं उड़ा सकता उसको भी टच नहीं कर सकता ठीक है दिस वुड ऑल्सो लीड टू अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्रेलेज सिखिजम के अंदर जो गुरु है दैट इज कंसिडर टू बी ए लिविंग एंटिटी एंड हेंस एनी हार्म और एनी डिस द गुरु इज ट्रीटेड एज सीरियस ओफेंस इनफैक्ट जो सिख रिलीजियस ट्रेडिशंस होते हैं प्रैक्टिस होती हैं या हिस्ट्री है हमारे गुरुओं की सिख गुरुओं की तो उस हिस्ट्री के साथ भी कोई छेड़खानी करेगा ऑल्टर करने की कोशिश करेगा दैट वुड ऑल्सो कंसिडर टू बी दिक रिलिज अंडरस्टैंड तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं इंसिडेंट ऑफ सेक्रिलेज सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं पंजाब के अंदर ही अकॉर्डिंग टू एन डेटा और इसको जो है रोकने की ज़रूरत है एक अच्छी खासी पनिशमेंट देने की ज़रूरत है बट यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सिविल सोसाइटी को और जो पुलिस है उनको दोनों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए ताकि ये इंसिडेंट दोबारा से ना हो और दूसरी बात लॉ एंड ऑर्डर जो है सिविल सोसाइटी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए सेंटीमेंट्स में नहीं आना चाहिए ये बोला जाता है बेसिकली वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है लेकिन इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके लिए वी हैव द एजेंसीज एजेंसीज टू मेक श्योर की लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही मेंटेन रहे और सबको जिसने जितना काम किया है उसके हिसाब से उसको मिले ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी कमीशन सो ये जो कैटेगरी कमीशन है पंजाब कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है कि अब जनरल कैटेगरी कमीशन जो है ये स्टैब्लिश होगा इसको सेटअप किया जाएगा ये किस लिए किया जा रहा है ये बेसिकली आपने देखे हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके भी अपने इंटरेस्ट होते हैं उनके भी अपने कुछ बातें होती हैं जो वो इंटरेस्ट कई uh, बार वो सामने नहीं आ पाते उनका जो से है मतलब जो बातें हैं वो आगे इतने अच्छे से uh, रख नहीं पाते तो ये जो कमीशन है ये मेक श्योर sure करेगा कि जितने भी uh, uh, जितने भी अनरिजर्व uh, कैटेगरी uh, के लोग हैं उनको उनके इंटरेस्ट उनके राइट्स उनके अधिकार जो है वो सब के सब उनको टाइमली डिलीवर हो ठीक है लेट्स टॉक अबाउट दिस द कैबिनेट चेयर्ड बाय द चरणजीत सिंह चन्नी अप्रूव दंजाब स्टेट जनरल कैटेगरी कमीशन फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी ठीक हैल्प इन सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ अनिजर्व क्लासेस ठीक है डिसाइड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस वेलफेयर स्कीम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दुअर ठीक है सो so ये जो है जो भी आ, 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 गवर्नमेंट की स्कीम से वो तो प्रॉपर इफ इम्प्लीमेंट हो ताकि अनरिजर्व वाले को वो बेनिफिट मिले बट साथ ही साथ जो अदर इंटरेस्ट है अनरिजर्व के वो भी उसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाएगा सेफ किया जाएगा क्योंकि द कमीशन वॉज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड काफी टाइम से ये डिमांड आ रही थी किसकी इम्प्लॉयज की जो बिलोंग करते हैं कौन सी कैटेगरी से अनरिजर्व क्लासेस से बिलोंग करते हैं दैट जो हमारे इंटरेस्ट है दे वर नॉट बींग प्रोटेक्टेड एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट

यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो और यू कैन डायरेक्टली कॉल टू टू अभिमन यू आई एस ठीक है चलिए थैंक यू